ठीक है, तो चलिए देखिए लास्ट क्लास में आई मीन ठीक है, जो लास्ट क्लास हमारा हुआ था, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसमें क्यू वैल्यू डिस्कस हुई थी रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड क्यू वैल्यू इन ए न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। How to find nuclear Q value in the nuclear reactions, ठीक है? और इसके लिए दो मेथड बताए गए थे कि Q value दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये था Q value का summation of mass of reactant minus the summation of mass of products and this whole multiplied by C square। यह एक दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये दिया था कि it was summation of the binding energy of products minus summation of binding energy of reactants and multiplied by C square। ये हमारा nuclear reactions की Q values का concept था, ठीक है? तो आज इसी को आगे elaborate करेंगे, इसी को आगे extend करेंगे, इस Q value को। Radioactivity हमारा main target है आज, main process है radioactivity का, but ये concept वहाँ पर use होगा, इसलिए मैंने पहले से आपको recall कराया है। अब ध्यान दो, हम लोग जो point पढ़ने जा रहे हैं, वो एक तो radioactivity, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी तो वो क्या है, ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो डिस्कस करेंगे, और कितने टाइप के रेडियो एक्टिव डिके हैं वो डिस्कस होंगे, उनके अंदर की क्यू वैल्यूज क्या होती हैं ये डिस्कस किया जाएगा। तो पहले ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। हालांकि पढ़ा है आपने, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, बट फिर भी इसकी स्टेटमेंट को हम अभी से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या था हमारे पास, तो उसमें कहा गया था कि नेचर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और कुछ ना कुछ वो पार्टिकल से डिके करते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ कन्वर्ट होते हैं। हम लोग उसका कॉज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अभी कि ऐसा क्यों होगा, अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई में जाने के लिए टाइप ऑफ डिकेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अल्फा डिके, बीटा डिके या फिर गामा डिके, जो मेनली तीन डिकेज है। तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी में कुछ टर्म्स हैं हमारे, वो टर्म्स पढ़ने, तो सबसे पहले तो आप यही एक वर्ड पढ़ रहे हो एक्टिविटी, फर्स्ट वर्ड व्हाट इज एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट तो यही व्हाट इज एक्टिविटी है ना, किस किस तरीके से इसको डिफाइन करते हो। तो इसके लिए ये कहते हो कि मान लो आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, सपोज दैट वी हैव अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका कुछ भी मास नंबर होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड मानते हैं और मास नंबर ए मानते हैं। तो सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट राइट हैविंग, ये अज्यूम करें कि हैविंग एन नॉट न्यूक्लियाई, किस फॉर्म में, इन अनस्टेबल फॉर्म, हैविंग एन नॉट न्यूक्लियाई इन द अनस्टेबल फॉर्म एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये मानते हो आप इसमें, सपोज ये मान लो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, तो ये कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस कर करके, थ्रू एनी न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये हम लोग ये कहते हैं कि ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि कुछ टाइम बाद, यानी कि आफ्टर टाइम टी, हम ये मान लें कि आफ्टर टी सेकेंड्स, इस एन नॉट में से, आउट ऑफ एन नॉट, एन नॉट जो स्टार्टिंग में थे, उस आउट ऑफ एन नॉट में इसके दो डिविजन्स हो गए, एन अभी भी आपके पास स्टिल अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, आई मीन वो उनका डिके नहीं हुआ अभी, और रिमेनिंग एन नॉट माइनस एन कन्वर्टेड, डिके हो चुका है इनका, दे आर डिकेड टू स्टेबल न्यूक्लियाई। टाइप ऑफ डिके की बात नहीं कर रहा मैं, फिर से बोल दूं, टाइप ऑफ डिके में अल्फा बीटा गामा कोई भी डिके हो सकता है, मैं इन जनरल डिके की बात कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके का डिके होगा और वो डिके होने के बाद एक स्टेबल न्यूक्लियाई बना। तो एन हमारे अभी भी अनस्टेबल है और एन नॉट माइनस एन डिके हो गए स्टेबल न्यूक्लियाई में। तो जो लॉ है वो ये कहता है, जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो ये कहता है कि जो डिके होने का रेट होता है, रेट ऑफ डिके, अगर आप इसकी डेफिनेशन दें, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज द रेट ऑफ डिके,
और रेट ऑफ डिके को ही हम एक्टिविटी भी कहते हैं, इट इज नोन एज एक्टिविटी. रेट ऑफ डिके ही एक्टिविटी है, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसलिए नाम है इसका. मतलब ये जो लॉ है ये उस रिएक्शन के रेट को लेकर के बनाया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, ये उसको उसको लेकर के बनाया गया है. तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी विच मीन्स द लॉ ऑफ रेट ऑफ डिके, बिकॉज रेट ऑफ डिके को ही आप एक्टिविटी कह रहे हो. और ये कहा जाता है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ, इट इज प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, विच मीन्स रेट ऑफ डिके उसको तो आप रेट है तो उसको कैलकुलस के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, यानी डी एन बाई डी टी, दिस इज द रेट. और ये प्रपोर्शनल किस चीज के होगा, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन के. इसका एक एनालॉग देना चाहूंगा मैं, उसको समझने के लिए आप एक एनालॉग लो. अगर हम आरसी सर्किट्स को कंपेयर करें, एनालॉग देखिएगा, एनालॉग में आपको आरसी सर्किट का दूंगा. आरसी सर्किट लो और उसमें ये कहा जाए कि एक कैपेसिटर है जिस पर पहले से प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट का चार्ज है. ठीक है, बैटरी नहीं है इस केस में, कोई बैटरी नहीं है. प्रथम अभी सही कर रहे, रुक जाओ, अभी सही कर रहे हैं, है ना, ये बैटरी वाला केस है. अब आपसे कहा जाए कि टी इक्वल टू जीरो, एनालॉग देख लीजिएगा, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी. टी इक्वल टू जीरो पर, है ना, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ क्यू नॉट चार्ज है. इसके बाद स्विच को बंद करेंगे तो टी सेकेंड्स के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग होने की वजह से, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी और बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग टी सेकेंड्स के बाद आप ये कह सकते हो कि इस कैपेसिटर पे कोई क्यू चार्ज एग्जिस्टिंग बचेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू बचा. तो प्लस क्यू इसका एग्जिस्टिंग चार्ज है, अभी इतना चार्ज अभी एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम. और इस टाइम पर जो करंट फ्लो होगी, अगर यहां पर आर है तो करंट और चार्ज को लेकर के जब आप लूप इक्वेशन बनाओगे, यहां पर लूप इक्वेशन, करंट और चार्ज को लेकर के जब लूप इक्वेशन बनाई जाएगी, राइट, तो आप ये कह सकते हो कि जो करंट है, अगर हम लूप इक्वेशन बनाए तो वो लूप इक्वेशन ये बनेगी, I into R equals to Q by C, this is the loop equation. But जो I है वो itself dQ by dt है, dQ by dt. तो dQ by dt proportional to Q हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर dQ by dt proportional to Q. कि नहीं, एक कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में किसी भी टाइम पर जो रेट ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ चार्ज वो उस मोमेंट पर कितना चार्ज है उस पर ही डिपेंड कर रहा है. यानी कि जैसे ऐसे कैपेसिटर का चार्ज कम होता जाएगा, रेट ऑफ चार्ज यानी कि करंट भी कम होती चली जाएगी. इससे आप समझ सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. इसी एनालॉग पर हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या कह रहे हैं, कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम टी पर एक्टिव फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में है, तो जो डिके होने का रेट है डी एन बाई डी टी वो प्रपोर्शनल टू एन. अब यहाँ पर जो dn है वो कैलकुलस के हिसाब से एक नेगेटिव साइन होगा, बिकॉज अगर n डिक्रीज कर रहा है तो ये dn के आगे एक माइनस n लगा, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस. और फर्दर जब आप इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हो तो ये लिखते हो कि dn by dt will be equals to minus times lambda into n. ये फर्दर आपकी ये इक्वेशन है. तो इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का जो क्लास 12th में किया है आपने वो यही था, तो और काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, तो हमारे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है यहाँ पर कि डी एन बाई डी टी इज माइनस लैमडा इंटू एन. और ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स भी है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जहाँ पर आप पढ़ते हो रेट ऑफ रिएक्शंस. तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि जो रेट ऑफ डिके है वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, राइट. इसको लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिके का, इसको फर्दर और इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो कुछ आंसर्स आएंगे इसमें. ठीक है, इसको फर्दर और इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर्स क्या आएंगे वो देख लीजिए. फर्दर ये करते हो आप कि डी एन बाई एन ले आते हो इज माइनस टाइम्स लैमडा डी टी, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हो टाइम को जीरो से लेकर टी तक के लिए, और एन इनिशियली एन नॉट था और अभी के लिए ये एन है, तो यहाँ पर आपको एन मिल जाता है एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैमडा टी. ये आपकी एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की है. कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग भी ऐसे ही आता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू द पावर
माइनस टी अपॉन टाउ टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये आता आपके पास। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है, स्टूडेंट्स काफी गलत करते हैं इसके अंदर, है एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो गए, और इसको आप कह सकते हो कि इट इज द अनस्टेबल न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, एट सम टाइम टी ये कह सकते हो। और जो dn by dt है, मतलब रेट ऑफ डिके, इसका अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं, मॉडुलस ऑफ dn by dt विच इज द रेट ऑफ डिके, इसी को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एज अ फैक्ट, एज अ टर्म, एक्टिविटी डिनोट करोगे कैपिटल ए से, dn by dt डिनोटेड बाय कैपिटल ए एक्टिविटी। तो dn by dt की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dn by dt की जो वैल्यू बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड dn by dt और राइट हैंड साइड जब डिफरेंशिएट करोगे, इस फैक्टर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस, और वैसे भी लॉ था dn by dt वाज माइनस लैम्डा इनटू n, dn by dt इज माइनस लैम्डा इनटू n, राइट, ये था। और इसी को आप एक्टिविटी कह रहे हो, कैपिटल ए कह रहे हो, यानी एक्टिविटी इज माइनस लैम्डा इनटू n। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, इस इक्वेशन को आप अगर हम दोनों तरफ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा इनटू n इक्वल्स टू लैम्डा इनटू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये कहा जा सकता है। और ये जो लैम्डा इंटू एन है, ये लैम्डा इंटू एन, ये आपका एक्टिविटी हो गया, ये लैम्डा इंटू एन नॉट, ये इनिशियल एक्टिविटी कहलाती है, और ये माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी को आप कंपेयर कर सकते हो आरसी सर्किट के करंट के थ्रू, एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड विद द करंट एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैन बी कंपेयर्ड विद द चार्ज, चार्ज एंड करंट, ये दो कंपैरिजन करोगे आप। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को आप चार्ज के थ्रू कंपेयर करो, और एक्टिविटी को कंपेयर करो रेट ऑफ चार्ज यानी कि करंट के थ्रू, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन हैं, ये काफी इजी इक्वेशन आती हैं, इनमें कुछ टर्म्स और आती हैं आपकी, ठीक है। वो टर्म्स हमारी आती हैं हाफ लाइफ की, ठीक है, फेमिलियर होने चाहिए आप लोग इसके थ्रू कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ आप वो टाइम कहते हो जब नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई से 1/2 हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमारा टाइम जीरो पे एन नॉट नंबर के अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब अनस्टेबल, जो कि कोई ना कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि उससे कुछ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर ये एन नॉट है, और टी सेकंड्स के बाद आप ये कह रहे हो कि इसमें से एन अभी भी अनस्टेबल है, मतलब वो अनस्टेबल का मतलब हुआ कि इनका अभी डिके नहीं हुआ है, यहाँ पर अनडिकेड फॉर्म में है, और रिमेनिंग एन नॉट माइनस एन डिके कर चुके हैं, यानी कि वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, वो किसी स्टेबल प्रोडक्ट में जा चुके हैं, वो डिके हो चुके हैं एन नॉट माइनस एन। तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना यार, टाइम के कभी ना कभी तो वो वैल्यू जरूर आएगी, कोई ऐसी वैल्यू जरूर होनी चाहिए जहां पर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई पहले वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई के 1/2 हो जाए। यानी कौन सा टाइम ऐसा होगा जहां पर एन की वैल्यू एन नॉट बाई टू हो जाएगी, ये कभी ना कभी तो होगा। तो ये जिस समय होगा, जिस टाइम पर अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनिशियल वाले के हाफ हो जाएंगे, उस टाइम को आप कह सकते हो कि ये उसकी हाफ लाइफ है, क्योंकि आधे न्यूक्लियाई स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो ये यहां से आ जाएगा आपका, इस पॉइंट से निकाल सकते हो, इस एन की जगह पर एन नॉट डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए इन प्लेस ऑफ एन, और यहां पर आप ऑलरेडी एन नॉट है, और फिर दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे नेचुरल लॉग, तो आपको हाफ लाइफ की एक वैल्यू मिल जाती है ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस इज द हाफ लाइफ टी, हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद, हाँ जी, आफ्टर दिस मच टाइम हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई आर डिकेड। ये हाफ किसका लेना होगा आपको, देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, इसको समझो आप, व्हाट इज द हाफ लाइफ, कि अगर हम टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट न्यूक्लियाई है मेरे पास,
तो जैसे ही मेरा एक हाफ लाइफ पूरा होगा, वन हाफ लाइफ, तो हम लोग एन नॉट बाई टू अनस्टेबल हो गया, एन नॉट बाई टू अनस्टेबल रहे। जैसे ही टाइम टी की वैल्यू आपकी दो हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगी, टू हाफ लाइफ, तो फिर आप इस एन नॉट बाई टू का जो यहां पर अनस्टेबल है, पिछले वाले अनस्टेबल, इसका हाफ हो जाओगे, यानी कि एन नॉट बाई फोर, राइट। एन नॉट बाई फोर अब अनस्टेबल रहे। फिर जैसे ही एक और हाफ लाइफ हो जाएगी, थ्री हाफ लाइफ के बराबर आ गए, तो अब आप इस एन नॉट बाई फोर का हाफ कर दोगे तो आप एन नॉट बाई एट हो जाओगे। इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रीवियस वाली वैल्यू का हाफ होते चले जाओगे। इस मेथड को समझना, बिकॉज उनके करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आरसी सर्किट का, जो मैंने आपको क्वेश्चंस रिकमेंडेड भेजे उनमें एक क्वेश्चन आरसी सर्किट का है, और वो यही फैक्ट यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक एनालॉग है, वो यही यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, तो इस तरीके से होता है। इसका मतलब अगर मैं एन हाफ लाइफ पूरे ले लूं, कहीं पर एन हाफ लाइफ हो जाए, तो आफ्टर एन हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो होंगे, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विल बी ओरिजिनली एन नॉट, और आप सीरीज चेक कर सकते हो, ये टू, यहाँ पर टू स्क्वायर है, यहाँ टू का क्यूब है, तो जो भी हाफ लाइफ होगी यहाँ पर टू रेस टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इतने आपके अनडिकेड न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे होंगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि फिजिक्स में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, बट क्योंकि चैप्टर को आगे बढ़ाना है तो इसको मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। ज्यादातर क्वेश्चंस इसको आपको केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे, फिजिक्स में रेयर चांसेस है कि इसके कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, ठीक है सूरज। हाँ, बट फिर भी बिकॉज एक सिस्टम है पढ़ाने का, तो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं हम लोग, स्किप नहीं कर सकते इसको। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है ना, एन नॉट बाई टू रेस्ट टू द पावर, एंड ये हो गया आपका हाफ लाइफ का कंसेप्ट। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज करो कि जो टाइम जीरो है, उस टाइम पर, लेट से टी इक्वल टू जीरो पर, हमारे पास 20 न्यूक्लियाई हैं, 20 अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, 20 अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो अब आप मुझे बताओ कि आफ्टर, राइट, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ कितने अनडिकेड होंगे हमारे पास, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे। बताएंगे आप कितने न्यूक्लियाई हमारे लिए अनडिकेड होंगे तीन हाफ लाइफ के बाद, यानी प्रथम टू, कृष्णा 2.5। आंसर ध्यान से देखना बच्चा, क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना कि आप पढ़ चुके हो इस टॉपिक को ऑलरेडी, केमिस्ट्री में किया गया चुका है, फर्स्ट चैप्टर था, बट थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल तरीके से इस पे, स्तुति मित्तल 2.5, दिव्यांशी 2.5, ओके, निखिल 2.5, 1.5, 20/8, नहीं मेरे को 20/8 नहीं, आर्यन मेरे को आंसर चाहिए 2। अभी देखो आप कंफ्यूज हो, कुछ लोग क्या कह रहे हैं 2.5, कुछ लोग कह रहे हैं 2 आएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं 3 आएगा, बिकॉज आप पजल्ड किस चीज पे हो, आप सब पजल्ड हो चुके हो, रितिका 2.5, चारू 2.5, कि जो 2.5 है उसको राउंड ऑफ करें या ना करें, ये आपका डाउट है, कि जो 2.5 आ रहा है उसको क्या करना चाहिए मेरे को, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी इन अ डेसिमल फॉर्म, इंटीजर होना चाहिए वो, 0.5 न्यूक्लियाई का कोई मतलब ही नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर बनना चाहिए इसका, डेसिमल फॉर्म में 2.5, क्योंकि अगर आप हाफ लाइफ का लॉजिक लगाओगे तो आंसर तो 2.5 ही आएगा, बिकॉज, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, 2.5 इज द राइट आंसर बाय दिस फॉर्मूला, तो या तो फॉर्मूला गलत है या फिर हम लोग कहीं गलत है, 2.5 आंसर जो आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है देखो, आपका प्रॉब्लम ये है कि जो आप यहाँ पर चीज पढ़ रहे हो उस टाइम पर, नहीं कनक दो और आधा का चक्कर नहीं होता, मेरी बात सुनो, आप सुनो, चक्कर क्या है देखो, जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो उसमें, अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, आप ये जो चीज पढ़ रहे हो ये कहलाती है आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मतलब ये होता है कि आप एक डेटा पर वर्क करते हो, विच इज अ काइंड ऑफ रिसर्च और स्टडी ऑन अ सैंपल ऑफ डेटा, मान लो आप एक बड़ा सा डेटा सैंपल होगा उसके ऊपर काम करते हो आप,
तो जब कोई इस तरीके की स्टडी की जाती है जो एक बहुत बड़े डेटाबेस के ऊपर हो, राइट, तो उसका जो कंक्लूजन होता है, बिकॉज उसको आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कह सकते हो. स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि जो स्टैट्स के ऊपर काम करे. रेडियो एक्टिविटी का लॉ भी एक स्टैटिस्टिकल लॉ है. स्टैटिस्टिकल लॉ का मतलब ये जो लॉ डिराइव किया गया है ये इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब एक सैंपल काफी बड़ा हो, सैंपल लार्ज हो. छोटे सैंपल पर ये वर्क नहीं करेगा, छोटे सैंपल्स पर ये वर्क नहीं करता. दैट मीन्स 20 न्यूक्लियाई बहुत छोटा सैंपल है, कैन नॉट वर्क. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी फेल है यहां पर. 2.5 भी आंसर नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा. क्वेश्चन ही इनवैलिड है. देर इज इनवैलिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिकॉज दैट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज गिवेन फॉर अ ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का आप एक एग्जांपल हमसे और लो. क्या है? फॉर एग्जांपल यार आपसे कहा जाए, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मतलब ये है कि आज के डेट में अगर आप बात करें एग्जिस्टिंग डेट में, तो आपका ये जो इससे आप समझो ये भी एक स्टैटिस्टिकल इवेंट चल रहा है. आज की डेट में इंडिया का जो रिकवरी रेट है, आप कह सकते हो कि जो रिकवरी रेट चल रहा है आज की डेट में कोरोना का, वो अराउंड 59% के आसपास है. 59% इज द रिकवरी रेट. आप इस परसेंटेज पर कितना बिलीव करते हो कि ये सही है, इस परसेंटेज पर? और ये 59% बेस्ड ऑन कितने कितने पर्सन के ऊपर है? बेस्ड ऑन आज की जो रिसेंट फिगर है वो अराउंड 5,66,000 के आसपास की है. तो इतने नंबर ऑफ पर्सन के अंदर से आपने निकाला है कि 59% रिकवरी रेट है. अगर यही डेटा मान लो सेकेंड डे निकाला गया होता जब कोरोना का नंबर खाली 2 था या 20 था, अगर खाली 20 लोग इन्फेक्टेड होते, क्या तब ये कंक्लूजन निकाल पाना कि 59% इन्फेक्शन रेट है, 59% रिकवरी रेट है? क्या आप इन इन बातों पे बिलीव करते? नहीं करते हो. बिकॉज ये जो परसेंटेज दिया जाता है कि ये होगा ये नहीं होगा, ये एक बड़ा सैंपल बड़ा होना चाहिए. 5,66,000 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई है और तब जाकर के आप एक परसेंटेज ला रहे हो. बट ये भी क्या लॉ है? क्या इसको लॉ कह सकते हो कि 59% रिकवरी रेट इज इट इज अ लॉ, कि अगले एक महीने में भी ये रिकवरी रेट 59% होगा? कोई गारंटी ले सकता है इस चीज की कि हाँ ये लॉ अभी भी 59% ही रहेगा, रिकवरी रेट चेंज नहीं होगा कभी, ये 58 नहीं होगा, 60 नहीं होगा? कौन कह पाएगा ये सब चीजों को? नहीं, सात्विक वो नहीं, अभी भी इनवैलिड है. मैं तो कह रहा हूं अभी भी. तो क्यों इसका टाइम लग रहा है, क्यों रिसर्चर्स को टाइम लग रहा है इसकी वैक्सीन लाने में? बिकॉज उनके पास डेटा बेस बड़ा है ही नहीं. वो वैक्सीन कैसे बनाएंगे, मेडिसिन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर? जब तक उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा बेस नहीं आएगा रिसर्च करने के लिए, वो नहीं बना सकते. भाई आप 10 10 पेशेंट्स को देख करके आप कैसे कहोगे कि कोरोना का ये मेडिसिन होगी? मेरे बात समझो, ये हो रहा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. हम कोरोना की तरफ नहीं जा रहे इस टाइम. मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब सैंपल बड़ा होता है तो उसके ऊपर की गई स्टडी, उसके ऊपर किया गया रिसर्च और उसके बेसिस पर निकाला गया परसेंटेज एक वैलिड टाइप की चीज होती है, 59%. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक और बात समझो, अगर 100% इन्फेक्टेड हुए, 100% इन्फेक्टेड हैं, तो ये मान लिया जाए कि 59 की लाइफ बच जाएगी और बाकी की जो 41 है उनकी उनकी डेथ है, तय है कि वो 41 मरेंगे. इस रिकवरी रेट का तो यही मतलब है, मरेंगे या उनका ट्रीटमेंट होगा जो भी होगा. क्या इसको लॉ कह सकते हो? नहीं कह पाओगे, ये भी एक लॉ नहीं है. चलो इसको लॉ मान भी लो कि 59% सेव हो जाएंगे, तो क्या आप इन 100 में से, क्या आप इन 100 में से स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये कौन से 59 लोग होंगे? सिर्फ उनको देख करके बता पाओगे कि चलो आप वो 59 लोग हो जो बच जाओगे नेक्स्ट 14 डेज के बाद, और आप ये 41 लोग हैं जो अगले 14 डेज के बाद भी मर जाओगे? जो बच गए वो अनडिकेड है और जो मर गए वो डिके हो गए. आप लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इससे समझो. जो जिंदा बच गए वो आपके अनडिकेड हो गए. तो ये क्या सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर?
भाई आपको कैसे पता कि उस 100 में से कौन से 59 लोग जिंदा बचेंगे? ये है आपका पूरा पूरा रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करता है ये, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, पहली बार ये 20 वाला तो इनवैलिड है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप ये कहते हो कि t इक्वल टू जीरो, अगर आप ये कह दो कि t इक्वल टू जीरो, आपके पास 6×10^20 अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब आप बताओ, अगर इतना है तो अब बताओ कि 10 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 हाफ लाइफ अगर आप निकालते हो इसको। तो क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, इतने बड़े नंबर का अगर आप हाफ करते चले जाओगे 6×10^20 और डिवाइडेड बाय 2^10, तो ये हमेशा ही आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ऑलवेज इंटीजर, कभी फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर वन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी को अब आप इस बात पे समझिएगा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नंबर वन, नंबर टू बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्री इट विल वर्क ओनली व्हेन द सैंपल इज वेरी लार्ज, सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग 10^20 और 10^23 इस टाइप के ऑर्डर में हूं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए अब आप ये बताइएगा, मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, मैं रेड कलर से अनस्टेबल न्यूक्लियाई दिखाऊंगा और व्हाइट कलर से, मतलब ये जो कलर है ध्यान रखना, ये कलर मैं चुन रहा हूं, ये कलर, ये हमारे अनडिकेड है, इतने न्यूक्लियाई अभी हमारे अनडिकेड है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और इनका नंबर आपके पास टोटल है, टोटल नंबर इनका आप ले सकते हो, लेट्स से एन नॉट है। टी टाइम बाद इनमें से कुछ न्यूक्लियाई डिके हो गए, आप इन चाहो तो इन न्यूक्लियाई को यूरेनियम मान सकते हो, कि सपोज ये यूरेनियम-235 का न्यूक्लियस है और हम सबको पता है कि यह आगे चल करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई लेड में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम लेड बन जाता है आफ्टर रेडियोएक्टिविटी। अभिनंदन, एक सेकंड को बता रहा हूं, तुम्हारे डाउट पे आ रहा हूं मैं। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद इसमें से यूरेनियम के पार्टिकल्स लेड में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिकॉज लेड एक स्टेबल पार्टिकल है 208 वाला, तो मान ले। अब जो स्टेबल है मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनका कलर चेंज कर रहा हूं, मैं जानबूझ करके उनको व्हाइट करूंगा, और मान लेते हैं कि टी सेकंड्स के बाद 5 डिके हो गए, जस्ट फॉर एग्जांपल है इसको, उस पर मत जाइएगा, 5 डिके हो गए, 5 न्यूक्लियाई डिकेड है। अब आप क्या स्पेसिफाई कर पाओगे कि इनमें से कौन से 5 होंगे वो, क्या इसको एडवांस में बता सकते हैं, पहले से बता पाओगे टाइम जीरो पे ही, क्या जैसे आप एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे क्या टाइम जीरो पर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कौन से 5 न्यूक्लियाई होंगे जो कि डिके होने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये नहीं कर सकते आप, ये कुछ वैसा ही हो गया, देखिए ये कुछ वैसा ही हो गया कि अगर आप एक बॉक्स में 500 आइडेंटिकल बॉल्स को डाल दो, बॉक्स से बड़ा सा, उसमें 500 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और आप हाथ डाल करके उसमें से 2 बॉल निकालो, तो आप ये एडवांस में कैसे बताओगे कि वो 2 बॉल्स कौन सी आएंगी, ये तो लॉटरी सिस्टम हो गया कि एक बॉक्स में आपने 500 चिट्स डाल दी, उसमें से 2 चिट कौन सी बाहर आएंगी, ये किसको पता है, यानी ये पहले से आप नहीं बता सकते कि कौन से 5 न्यूक्लियाई डिके होंगे, कोई भी 5 न्यूक्लियाई हो सकता है इसमें से डिके हो जाए, यानी सभी के डिके होने का चांस बराबर है, तो मुझे नहीं पता कौन से 5 डिके होंगे, वो रैंडम इवेंट है, कोई भी 5 डिके हो सकते हैं, तो कोई 5 मान लो डिके हो गए, बाकी सब रिमेनिंग है, बट ये 5 कोई भी 5 हो सकते थे, कोई भी 5। अब आप मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, एन नॉट आपके पास अनस्टेबल था, नाउ एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके अनस्टेबल है, एन अनस्टेबल है, ठीक है, एन नंबर अभी भी अनस्टेबल है, वो डिके होगा, मतलब जो व्हाइट है वो स्टेबल हो गया और जो ये रेड कलर से आप दिखा रहे हो ये अभी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो अनस्टेबल को अगर आप काउंट करो तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास
एन है, मैं उसका कलर ही वैसा कर दे रहा हूँ, तो एन हमारे पास अनस्टेबल है। अब आपका क्वेश्चन यहां पर है, आप मुझे ये बताओ इनमें से, इनमें से अगर मैंने किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को चूज कर लिया होता, किसी पर्टिकुलर को पहले ही चूज कर लिया होता, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये टी टाइम बाद डिके हो चुका होगा? आंसर दें इसका। इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे पास है उनमें से मैंने एक किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियाई को टारगेट किया, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसकी, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टी सेकेंड्स के बाद वो स्पेसिफिक न्यूक्लियाई डिके हो चुका होगा। क्योंकि किसी भी टाइम पर हर न्यूक्लियाई के डिके होने का बराबर बराबर चांस है। आप एडवांस में नहीं बता सकते, इसको पहले से कोई नहीं बता सकता कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा। किसी भी टाइम पर कोई भी न्यूक्लियस डिके हो सकता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बताएं इसका आंसर। एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई को मैंने टारगेट किया है और आप मुझे आंसर दें कि टी टाइम बाद, टी सेकेंड्स के बाद वो न्यूक्लियाई डिके हो चुका होगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपने डिस्कस करी हो, फिर से ध्यान देना। मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए, मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, 11th में होती है, जल्दी से करिएगा, टाइम लिमिटेड है। एक बॉक्स में 100 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आपने कोई, आपको हाथ डाल करके उसमें से दो बॉल निकालनी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई स्पेसिफिक बॉल फर्स्ट अटेम्प्ट में बाहर आ जाएगी? क्या गारंटी है इस बात की? आउट ऑफ 100 बॉल्स, सारे आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, उनमें से दो बॉल्स आपने एक बार में बाहर निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो में से आपकी टारगेट की गई बॉल बाहर आ चुकी है? अब देखो बच्चा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगना है या क्या लगना है, या आप देख ले, मैं फिलहाल के लिए इसका आंसर दे रहा हूं, आप ब्रेक टाइम पर इसको सोचेंगे। जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इतने अनस्टेबल हैं, और एन नॉट माइनस एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारे डिके हो चुके हैं। तो डिके होने की प्रोबेबिलिटी, एन नॉट डिके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान दीजिएगा, वो होनी चाहिए एन नॉट वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी एंड डिवाइडेड बाय एन नॉट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई इन द फर्स्ट टी सेकेंड्स। आप इसको सोचो कैसे होगा, नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। अभी आप, तब तक आप इस पर दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों होगा और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्या मतलब है यहाँ पर, राइट? इसको आप ट्राई करिए, इसको सोचिए इसमें। सूरज जी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप मैथ्स की बुक का सहारा ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, किसी मैथ की बुक को रेफर कर लो, मैथ्स की बुक रेफर कर लो और बताओ क्या आएगा।